तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है थर्माकोल, बड़े बड़े थर्माकोल पड़े हुए हैं, साथ में ही यहाँ पे कुछ स्टील चदरा वदरा का काम किया गया है। यहाँ पुरानो दिन गान आज बड़े मनोप्राण, क्या बात। जैसे कि बताया था, ये जो पुरानी पुरानी कैसेट हुआ करती थी, ये वो कैसेट है। तो सुबह सुबह का जो हाट का जो नज़ारा है, देख लो कलकत्ता हाट। रास्ते के दोनों तरफ भीड़ है। सो गाइस, मैं आ गया ठीक आरितुला घाट के पास, जो पंडाल होता है ना, इस पंडाल के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इस बार की क्या है थीम। तो पहले तो अंदर जाने के लिए मेरे को जगह ढूंढनी होगी। गाइस यहाँ पे ना दिख गया है रास्ता, तो चलेंगे अंदर। साथ ही गाइस कुछ इस तरह का नज़ारा है, बड़ा सा, मेरे को तो ये कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, बड़ा सा जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वही है शायद ये वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आ गए हैं इस समय आरितुला घाट, यहाँ पे होती है दुर्गा पूजा। तो ये ना ठीक मेन रोड के ऊपर ही है, तो मैं हूँ इस समय पंडाल के अंदर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से पंडाल जो है वो बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है थर्माकोल, बड़े बड़े थर्माकोल पड़े हुए हैं, साथ में ही यहाँ पे कुछ स्टील चदरा वदरा का काम किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ी सी जाली बनाई जा रही है। तो यहाँ तो गाइस यहाँ पे हो रहा है पूरा आर्ट वर्क, तो कलर वगैरह रखे हुए यहाँ पे। एक्चुअली ये थीम इस बार जो है एक टोटल थीम है म्यूजिक के ऊपर। ये पुराना दिन का जो गाना होता है, पुराना गाना बंगला में कहावत है, जो पुरानो दिन गान आज बड़े मनोप्राण। क्या बात है, मैंने ओल्ड गाना आदमी का दिल में लगता है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ जी, तो ग्रामाफोन दिखाया गया है इसमें, जो ग्रामाफोन अभी कोई यूज़ करता नहीं, यूज़ नहीं करता। इसको क्रैक दिखाया गया है, जो ग्रामाफोन रह के वो आस्ते आस्ते टूट रहा है, रस्ट हो गया खराब हो गया। वो इसलिए इसको ग्रामाफोन दिखाया गया है। और यहाँ पर बहुत सा रेडियो लगेगा, यहाँ 50 फीट का एक तो रेडियो बन रहा है, एक टोटल रेडियो बनेगा। तो पूरा रेडियो बन रहा है यहाँ पे 50 फीट का पूरा। हाँ जी, 50 फीट है हाइक, 30 फीट है ये रेडियो बनेगा, बड़ा सा ओल्ड रेडियो जैसा होता है, उसका ऊपर भी रेडियो लगेगा। और अंदर में जो देख रहे हैं आप रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड से बनाया हुआ सीलिंग। और ये सब जो है ये वाला पियानो का रिग होता है ना, ये सारा पियानो का जो पियानो का रिग है, सीलिंग में चले जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि बताया कि जो थीम है ना यहाँ पे, वो म्यूजिक को ध्यान में रख के किया गया है। तो सब तरफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ही पूरा पंडाल भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से ही सजाया जा रहा है। तो पीछे जो है ना वो पियानो का जो कीज होते हैं वो रखे हुए हैं। तो जैसे कि बताया दादा ने, ये चले जाएंगे ऊपर सीलिंग में। तो इसी के साथ और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे ये शायद माइक पड़ा हुआ है बड़ा सा, जो माइक है वो लगेगा बाहर गेट, ये माइक है। और ये जो पुराने पुराने रेडियो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये रेडियो से ही पूरा एक तो बड़ा रेडियो बनेगा। तो ये जो है ये सारे सनबोर्ड है। हाँ। तो ये भी शायद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में यूज हो रहा है। ये जो रिग देख रहे हैं ना यहाँ से, एक तो घर ये, में गया है। हाँ, ये कैसेट है, कैसेट है, ऑडियो कैसेट का जो है, पुराना कैसेट अभी तो बंद हो चुका है, कलर फिनिश का बस दूसरा देखेगा। उत्सव कमेटी है आरितुला दुर्गा उत्सव कमेटी। ये मतलब पंडाल चालू हो गया बनने यहाँ पे, दो महीना से चालू हो गया लगभग। तो लगभग लगभग 2 महीने हो गए। और टोटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने इंस्ट्रूमेंट बता दीजिए एक बार फिर से। 4000 ऑडियो कैसेट है, 2500 रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, और आपका मैंने एक्चुअली वो फोन वगैरह है, ये सब है, रेडियो है, रेडियो कम से कम पुराना रेडियो है 650 पीस इसमें लगेगा। तो जो पुराने रेडियो से ही पूरा पंडा सजाया जाएगा और बनेगा एक नया वाला रेडियो सिस्टम। गाइस यहाँ पे देखो ग्रामाफोन की जो पुरानी पुरानी कैसेट हुआ करती थी, वो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा पूरे पंडाल में। तो काफ़ी शानदार होने वाला है पंडाल। यहाँ पे चल रहा है आर्ट वर्क, तो पूरा मतलब पंडाल के लिए बन रहा है, सामने के लिए पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वही है। तो ये वाली जो छोटी सी नाइफ है, इससे यूज़ करके ना पूरा ये वाला बनाया जा रहा है, काफ़ी अच्छा है ये। तो गाइस कितनी सारी ग्रामोफोन की कैसेट पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये सारी ओरिजिनल है, ये नहीं कि मतलब इन्होंने बनाई है। तो ये सारी जुगाड़ किया हुआ है सारा इन्होंने। तो ये वाली जो कीज की बात हो रही थी, ये चला जाएगा ऊपर पंडाल में, और ऊपर भी
जो पूरा किया गया है ना डेकोरेशन, वो ग्रामाफोन की जो केसेट है उससे किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलरफुल है। तो उसमें कुछ भी मतलब कलरिंग नहीं किया, ओरिजिनल रखा गया है ऊपर में। और यहाँ पे ये जो है, ये है सारे जो रील्स होते हैं ये उनके अंदर के पार्ट्स हैं, इसे भी पंडाल में यूज़ किया जाएगा। जैसे कि बताया था, ये जो पुरानी पुरानी केसेट्स हुआ करती थी ये वो केसेट है, और भी रखी हुई हैं इधर में। तो ये कलरिंग होने के बाद ना ये काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थी मैं, तो ये जो रेडियो है इसे पीछे नहीं रख सकते, इसे का भी यूज़ किया गया है पंडाल में। तो इसी से तो हो गई पंडाल के डेकोरेशन की बात, कि किस तरह से कैसेट बनाई गई है, या पियानो की कीज़ है, और ग्रामोफोन जो बड़ा वाला देखा आपने, किस तरह से वो पड़ा रस्ट हो रहा है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है आज के टाइम में। तो ये सब हो गया एक तरफ, और माँ की मूर्ति हो गई एक तरफ। तो काफ़ी अच्छी मूर्ति है यहाँ पे, अभी रंग होने के लिए अभी ये बाकी है। सामने ही है माँ दुर्गा की मूर्ति, और काफ़ी ही अच्छी मूर्ति है। जैसे कि दादा ने बताया कि इस बार जो पंडाल है वो एंट्री एक तरफ से और एग्ज़िट रहेगी, तो बीच से होते हुए आप पंडाल और माँ के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था कि अब, और लास्ट ईयर जो थे वो सारे ओपन पंडाल थे, दूर से ही माँ के दर्शन करने पड़ रहे थे। तो इस बार ऐसा नहीं है गाइज, तो इस बार ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ना सामने से माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सक रहे हैं ना, तो ये है बड़ा सा एक ग्रामोफोन। तो ये ग्रामोफोन ना दर्शाया गया है कि किस तरह से आज के टाइम में इस ग्रामोफोन का जो यूज़ है ना वो बंद हो गया है, और वो पड़ा पूरा रस्ट होकर पूरा ख़राब हो गया है। और ये जो पंडाल है, इसकी जो थीम है वो है म्यूज़िक के ऊपर थीम है, म्यूज़िक के सारे सामान इसमें यूज़ किए जाएंगे। और जैसे कि आप ये जाली और ये वाली जाली देख सक रहे हैं, तो यहाँ से होते हुए उस बिल्डिंग तक की जाएगी पूरा, तो ऐसे करके झूलते हुए पूरा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, पियानो टाइप रहेगा, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर रहेगा पंडाल देखने के लिए। तो दादा जैसे ऊपर बैठ के अभी जो है ना काम, ये जो काम है दिन रात चल रहा है, तो 2 महीने हो गए हैं इस पंडाल को, पूरी मेहनत की जा रही है पंडाल में। तो आने वाली दुर्गा पूजा में ये पंडाल अपने आप में एक अलग सा होगा, क्योंकि इसमें ना सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, ओरिजिनल चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, थर्माकोल, प्लास्टर, पेरिस का यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप यू गाइज वी लाइक दिस वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, शब्बा खैर, जय हिंद।